जोधपुर कोर्ट से सलमान खान को जमानत मिलने के बाद अपनी दोनों बहनों के साथ चार्टर प्लेन से मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचकर वह सबसे पहले अपने फैंस से रूबरू हुए। उन्होंने बेहद ही अनोखे अंदाज में अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर वे बेहद भावुक हो गए। बालकनी में उनका पूरा परिवार मौजूद था। सलमान के मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले उनसे मिलने उनके घर कैटरीना कैफ पहुंची। सलमान जोधपुर एयरपोर्ट 5.45 पर पहुंचे। करीब 6 बजे उनका विमान मुंबई के लिए रवाना हुआ। सलमान के प्रशंसकों ने जमानत मिलने के बाद जश्न मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ प्रशंसकों ने तो जेल से लेकर एयरपोर्ट तक पूरे रास्ते में फूल बिछा दिए। जैसे ही सलमान की गाड़ी उन्हें लेने जेल से बाहर पहुंची तो एक कार में सवार युवकों ने बाहर रास्ते में फूल बिछाने शुरू कर दिए। इनकी कार सलमान के काफिले के आगे चलती रही और रास्ते में फूल बरसाते रहे। बता दें कि सलमान खान करीब 8 बजे मुंबई अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। उनके घर से बाहर फैंस का तांता लगा हुआ था। सभी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हो रहे थे। उनको गेट पर देख फैंस ने हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। सलमान घर पहुंचकर सबसे पहले अपने फैंस से मिलने अपनी बालकनी पर आए। करीब 8:30 बजे उनकी बालकनी का पर्दा उठा। बालकनी में सबसे पहले सलमान आए, उनके पीछे उनका बॉडीगार्ड शेर आया। उसके बाद उनके पिता सलीम खान और उनकी माँ बालकनी में नजर आ रहे, तीन उंगली दिखा किया फैंस को ये इशारा बता दे कि सलमान ने सबसे पहले अपने फैंस को हाथ हिलाकर, फिर हाथ जोड़कर, फिर सलाम करके और फिर अंत में तीन उंगलियां दिखाकर उनके लिए अपने प्यार जाहिर किया। तीन उंगलियों का मतलब होता है कि अब मैं ठीक हूँ, आप अपने घर जाओ। सबसे पहले कैटरीना पहुँची सलमान के घर। सलमान के घर पहुँचने के ठीक 20 मिनट के बाद उनसे मिलने कैटरीना उनके घर पहुँची। उन्होंने ब्लैक और व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। कैटरीना हर बुरे वक्त में सलमान के साथ देखी जाती है। सलमान के घर का माहौल इस वक्त किसी उत्सव से कम नहीं है। घर आने वालों का मुंह मीठा कराने के लिए रसमलाई और बूंदी के लड्डू मंगाए गए। इसके साथ ही सलमान की मां उनकी मनपसंद बिरयानी भी बनाएंगी।